मुझे बहुत दिनों से बताया जा रहा है कि मैं एटीट्यूड पर वीडियो बनाऊं। आने वाले वीडियोस में एटीट्यूड पर भी वीडियोस होंगे, जिसमें लड़कों के 17 एटीट्यूड और लड़कियों के 12 एटीट्यूड पर बोलूंगा, जिसमें एटीट्यूड क्या होता है, कौन से एटीट्यूड को कब यूज करना है और सेल्फ एटीट्यूड को कैसे डेवलप करना है और एटीट्यूड को कंट्रोल कैसे करना है, ये सारी चीजें होंगी। फिलहाल आज के वीडियो में शिकारी एटीट्यूड और नॉर्मल एटीट्यूड में डिफरेंट बताऊंगा। द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन में लड़कों के 17 एटीट्यूड के बारे में बोला गया है, जिसमें से बेसिक शिकारी एटीट्यूड के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। शिकारी एटीट्यूड और नॉर्मल एटीट्यूड में क्या अंतर होता है पहले ये जान लेते हैं, आशा करता हूं आपको इससे फायदा होगा। देखो, शिकारी एक खुश बंदा होता है, वो खुद से खुश होता है। शिकारी लड़की के कंफर्ट का ख्याल रखता है, जबकि भिखारी मुंह लगाते ही पीछे पड़ जाता है। शिकारी लड़की के सामने खुद को बिजी दिखाता है, भिखारी बताता है तुम ही हो मेरी जिंदगी में, तुम्हारे अलावा कोई नहीं। शिकारी एक रिलैक्स टाइप का बंदा होता है, जिसके बात करके लड़की को अच्छा फील होता है। भिखारी जल्दी नाराज हो जाता है, वो जल्दी गुस्सा होकर भाग जाता है, वो फिर वापस आते हैं, फिर भीख मांगते हैं, लड़की एक रिप्लाई कर दे, एक बार बात कर ले। शिकारी लड़की को स्माइल कराता है, भिखारी लड़की को मुस्कुराता देखने के लिए मरे जा रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा मजेदार है, शिकारी के बातों में देने की बात होती है, जैसे चलो पार्टी करते हैं, घूमने चलते हैं, हम यहाँ जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। वही भिखारी कहता है मेरे साथ घूमने चलोगी प्लीज, मुझसे मिलोगी प्लीज, तुम तो हमेशा घूमने जाती हो, मुझे भी कभी बुलाओ ना। शिकारी बुरे से बुरी सिचुएशन में रिलैक्स रहता है और नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव तरीके से पेश करता है। जैसे मानो लड़की शिकारी के साथ बाइक पे घूम रही है, तभी बाइक खराब हो जाती है, तो शिकारी हल्के से स्माइल करके लड़की से कहता है यहाँ की धरती तुम्हारे कदम चूमना चाहती है, जरा धरती पर पैर तो रखिए। उसके बाद बाइक चेक करता है और देखता है बाइक में बड़ा प्रॉब्लम है, वो लड़की से कहता है चलो बाइक खराब हो गई है, मौसम कितना सुहाना है, हमें साथ में वॉक करने का मौका मिल गया। वो वॉक करते करते किसी गैरेज में रुकते हैं, बाइक रिपेयर करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब भिखारी भरा जाओ, भिखारी बात नहीं शिकायत करते हैं, वो कहता है अबे यार बाइक का ब्रांड बच गया, आज ही तो पेट्रोल डाला था, आज का दिन ही खराब है, कंपनी वाले डुप्लीकेट मटेरियल देते हैं, नई गाड़ी है, खराब कैसे हो गई। शिकारी लड़की को देश और समाज का अच्छा पक्ष दिखाता है, भिखारी खुद की कमी छुपाने के लिए दूसरों को गाली देता है, जैसे सारे नेता चोर है, इस देश का क्या होगा। शिकारी फ्रेंडली होता है, वो लड़की से हालचाल पूछता है, लड़की के बारे में पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनना। भिखारी लड़की से मिलते ही उसकी तारीफ करता है या कोई कमेंट करता है, नाराज हो क्या, सॉरी कोई गलती हो गई क्या मुझसे। बात बात पर लड़की के सामने माफी मांगना भिखारियों की सबसे बड़ी पहचान है। बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके वीडियो के बारे में अपना राय दें, अगर आप प्यार के इस खेल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आप अपना सवाल पर्सनली पूछने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आए, ग्रुप लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है।